हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज जूही के किचन में हम बनाएंगे साबूदाना का खिचड़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 2 कप साबूदाना लिया है। इसको हमने 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद हमने इसमें पानी डाल के 3-4 घंटे के लिए रख दिए थे। उसके बाद देखिए कितना अच्छा खिल के आया है। हमने 5-6 आलू बॉयल कर लिया है और इसे छोटे छोटे पीस में इसे कट कर लिया है। हमने एक कढ़ाई लिया है, उसको अच्छे से गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। इसमें अब हम 1 कप मूंगफली दाना ऐड करेंगे, 1 कप मखाना। मखाना ऑप्शनल है, इसे आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। इसे हमें इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब हमारा ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। आप इसमें घी के जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 3-4 छोटा कटा हुआ मिर्ची ऐड करेंगे। इसमें अब हम बॉइल्ड आलू ऐड करेंगे और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, जिससे कि आलू अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। अब हम इसमें 1 कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। इसे भी हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेना है, जिससे कि टमाटर गल जाएगा और आलू में उसका रस सोख लेगा, तो आलू का टेस्ट बहुत अच्छा खिल के आएगा। अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ मूंगफली ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमें स्वाद अनुसार ऐड करना है। अगर आप साबूदाना की खिचड़ी व्रत में बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक डालिएगा, नॉर्मल नमक मत डालिएगा, जिससे कि आप व्रत में इसे खा सकें। इसमें अब हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ मखाना ऐड करेंगे। अब हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे और अगर साबूदाना फूलने के बाद उसमें पानी बचा हुआ तो उसे अच्छे से छलनी से छान लीजिएगा, फिर इसमें डालिएगा, नहीं तो ये पानी पानी हो जाएगा। हमें इसे ड्राई बनाना है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें इसे अच्छे से सबको मिला लेना है। अब हम इसमें काला मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हमें इसे अच्छे से 5 मिनट तक सबको भून लेना है, जिससे कि सब ये मिल जाए। ये हमारा सब भून जा गया है। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेना है। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देख सकते हैं साबूदाना कितना अच्छा खिल गया है, बिल्कुल मोतियों की तरह लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।